सो हेलो म्यूजिशियंस, आप सभी का वेलकम है ओजे के ज्ञान के एक नए एपिसोड में। मैं हूं जस और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, आप सभी का वेलकम है आज की इस बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, जस्ट लाइक द होम स्टूडियो टूर। इस वीडियो की भी आप मुझे कंटिन्यूसली एक से डेढ़ साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे। लोग कंटिन्यूसली मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में ये सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार आप म्यूजिक किस तरह से बनाते हो, कैसे आप काम करते हो। तो आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि मैं कैसे पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, कैसे मैं एक सिंगल कीबोर्ड से पूरा म्यूजिक ट्रैक बनाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आज की वीडियो। आज से 4 से 5 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी टैब पे, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि इस वीडियो को आप किस सॉन्ग के रेफरेंस में चाहते हो। उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, पिघल गया, काला टीका, आसान है एंड दूरा हिंदी वर्जन। उसमें सबसे ज्यादा वोट आपने पिघल गया सॉन्ग को दिए। तो आज की वीडियो में हम पिघल गया सॉन्ग के रेफरेंस में आपको बताऊंगा मैं पूरा कि कैसे म्यूजिक ट्रैक बनाता हूं मैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको म्यूजिक रिलेटेड कोई भी वर्क है, सॉन्ग रिकॉर्ड कराना है, म्यूजिक ट्रैक बनवाना है, कैरियर को चाहिए, मिक्सिंग मास्टरिंग करानी, पोस्टर बनवाना, कोई भी म्यूजिक रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी सर्विस हम बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड करते हैं। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट्स आते हैं, तो अगर आप भी चाहते हो अगर आपका सॉन्ग रिकॉर्ड कराना है तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी सर्विसेज बहुत कम रेट में प्रोवाइड करते हैं। एंड मेरे सारे सॉन्ग्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि इसी पूरे सेटअप से बनी है, इसी तरीके से बनी है, तो एक बार आप उनको जरूर सुन लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मेरे सारे सॉन्ग्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में एन आई बटन पर भी आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार सारे सॉन्ग चेकआउट करना एंड अपना फीडबैक जरूर देना। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग तो ये कि मैं कोई डॉ यूज़ नहीं करता हूँ। कई सारे लोग मुझसे सेम चीज़ पूछते हैं कि मैं कौन सा डॉ यूज़ करता हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, बट मैं कोई डॉ यूज़ नहीं करता हूँ। मैं मेरा एक अरेंजर कीबोर्ड है, उसमें पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। मैं कोई डॉ यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास एक अच्छा खासा लैपटॉप है जो कि आसानी से कोई भी डॉ रन कर सकता है, बट स्टिल कुछ रीजंस हैं जिसके कारण मैं डॉ यूज़ नहीं करता हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यही सबसे बेस्ट तरीका है म्यूजिक प्रोड्यूस करने का, यही आपको अपनाना चाहिए, इसी को आप फॉलो करो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बस मैं इस तरीके को यूज़ करता हूँ एंड कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैं कैसे काम करता हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप इसको मानना, वरना मैं तो ये कहूँगा आप बिल्कुल इसको फॉलो मत करो। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है, बहुत कभी कभार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप इसको ना यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मुझे ये पसंद है तो इसलिए मैं इस तरीके को यूज़ करता हूँ। तो गाइस, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे एक सिंगल कीबोर्ड से पूरा म्यूजिक ट्रैक बनाता हूँ। कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है कि यार मैं कैसे एक सिंगल कीबोर्ड से पूरा म्यूजिक ट्रैक बना सकता हूँ, बट यार ये रियलिटी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मेरे सॉन्ग सुन सकते हो, सभी सॉन्ग्स का म्यूजिक इसी तरीके से बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक अरेंजर कीबोर्ड है केसियो कंपनी का, केसियो 6300IN। उसमें सारे ड्रम किट्स, टोन्स, प्लग्स, पैड्स, स्ट्रिंग्स ऑलरेडी बिल्ट इन आए हुए हैं। एंड उसमें एक फंक्शन है सॉन्ग सीक्वेंसर का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम 17 ट्रैक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स में और उसको मिक्स मास्टर करके पूरा म्यूजिक ट्रैक बना सकते हैं। थोड़ा टफ रहता है बट स्टिल मजा आता है करने में एंड मैं वही करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी एक सॉन्ग है उसकी पूरी जो टाइमलाइन है, जो पूरा सॉन्ग है, यानी कि अगर 4-5 जितने मिनट का सॉन्ग है, उस पूरे सॉन्ग को मैं पूरा पियानो पे कवर कर लेता हूँ, पूरे पियानो पे पूरी टाइमलाइन को बना लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं हर एक ट्रैक को सेपरेट रिकॉर्ड करता हूँ, पूरा कवर करना पड़ता है, पूरा प्ले करना पड़ता है 4-5 मिनट का, ठीक है, हर एक ट्रैक को। यानी कि अगर 17 ट्रैक है तो 17 ट्रैक को अलग अलग प्ले करना पड़ता है, ड्रम्स को पहले अलग प्ले करना पड़ता है, फिर बेस हो गया, फिर पैड्स हो गए, स्ट्रिंग्स वगैरह, अलग फिलर्स हो गए, इन सबको अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं मिक्स मास्टर करके पूरा म्यूजिक ट्रैक बनाता हूँ। तो गाइज, इस तरह से मेरा म्यूजिक ट्रैक बनता है। तो ये तो मैंने आपको बोल के बता दिया, अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम पिघल गया सॉन्ग के रेफरेंस में पूरा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरा पिघल गया सॉन्ग नहीं सुना तो यार प्लीज़ सुनो, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था लोगों का, एंड बहुत ही यूनिक सॉन्ग है, तो उसको जरूर एक बार सुन लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पर मिल जाएगी। उस सॉन्ग को पहले सुन लो एंड उसी के रेफरेंस में हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपको अपने पियानो अरेंजर कीबोर्ड पर ले चलता हूँ एंड वहाँ पर पूरा बताता हूँ कि मैं कैसे म्यूजिक बनाता हूँ। सो गाइस, अब हम आ गए हमारे कीबोर्ड पर, हमारे अरेंजर कीबोर्ड पर, केसियो 6300IN। ये एक बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर डाला है। अगर आपको इसको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। तो चलिए, आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं कैसे पूरा म्यूजिक बनाता हूं, ठीक है। हर एक ट्रैक को आपको प्ले करके दिखाऊंगा एंड बाद में पूरा म्यूजिक कैसे बन के आएगा वो आप खुद देख सकते हो। तो हर एक ट्रैक को मैं सेपरेटली प्ले करके दिखाऊंगा तो आप आसानी से सीख सकते हो कि मैं कैसे पूरा म्यूजिक ट्रैक बनाता हूं। एंड इस वीडियो में हम पिघल गया सॉन्ग का रेफरेंस लेने वाले हैं। एंड अगर आप किसी और सॉन्ग का भी म्यूजिक मेकिंग वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस सॉन्ग का आपका म्यूजिक मेकिंग का चाहते हो, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना। तो चलिए, मैं आपको पिघल गया सॉन्ग के रेफरेंस में पूरा बताने वाला हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैं पिघल गया सॉन्ग बना रहा था ना, तो मेरे माइंड में एक सिंपल सा आइडिया था कि यार मुझे कमर्शियल सॉफ्ट टाइप का एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग बनाना है, जो कि कैची सा हो, अट्रैक्टिव सा हो, ग्रूवी सा हो, तो उस टाइप से मैंने म्यूजिक बनाने का सोचा था। तो जो हमारा सबसे पहला ट्रैक है वो है सिंथ प्लग का। ये एक सिंथ प्लग मैंने यूज किया है, ये पूरे सॉन्ग में रहेगा, ये रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया है, इसको मैंने पूरा पहले प्ले किया है एंड पूरे सॉन्ग में चलता रहेगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको
रिकॉर्ड किया तो मैंने पूरा 4 मिनट तक इसको नॉनस्टॉप बजाया था, ठीक है, कंटिन्यूअसली 4 मिनट तक इसको बजाना पड़ा था मुझे। 3 कॉर्ड्स हैं, उन 3 कॉर्ड्स को मैंने 4 मिनट तक कंटिन्यूअसली बजाया था। इसी तरह से काम होता है, इसमें टाइम लगता है लेकिन फिर जो आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से मैंने पूरा कंटिन्यूअसली प्ले किया था। मैं भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ आखिर वो कैसा है अकॉर्डिंग पैटर्न, ठीक है, तो आप सुन सकते हो उसको। तो ये हमारा सिंथ प्लग जो कि हमारे पूरे सॉन्ग में रहेगा, एंड ये हमारा सॉन्ग को एक अलग ही हाइप दे रहा है, एक बहुत ही अच्छा सा टच आ रहा है इससे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रखा है। इसमें हल्का सा डिले भी डाला है मैंने। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रैक है। अब हमारे सेकंड ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा मेन मेलोडी है हमारे सॉन्ग का। तो गाइज ये जो मेलोडी है ये सच में यार बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कैची सी लगी थी। ये मैं रैंडमली प्ले कर रहा था तो मुझसे निकल गई थी मेलोडी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको सॉन्ग में रखा है। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं मुझसे कि यार ये जो आपने मेलोडी इसमें डाली, जो मेन इसका जो मेलोडी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हमें, बहुत ज़्यादा कैची और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। तो ये कुछ इस तरह से है। तो गाइस ये हमारा सेकंड ट्रैक, ये हमारी मेन मेलोडी है, यानी बहुत अच्छी लग रही थी सुनने में, तो इसलिए मैंने इसको पूरे सॉन्ग में रखा है। ये एक सिंथ का टोन है, ठीक है, इसका नाम है स्लो स्क्वायर पल्स, बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा था तो मैंने इसको लिया है, एंड इसमें हल्का सा रिवर्ब लगाया मैंने। सो गाइस अब हमारे थर्ड ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, एंड हमारा थर्ड ट्रैक जो होने वाला है वो है बेस गिटार। एंड जब मैं इस बेस लाइन को रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे माइंड में ऑलरेडी क्लियर था कि मुझे एक बहुत ही सिंपल सोवर सी बेस लाइन रखनी है ताकि बहुत मैसी सा ना हो हमारा साउंड। तो बहुत ही सिंपल सी बेस लाइन है, आप सुन सकते हो। तो ये हमारी बेस लाइन है, इसमें मैंने बेस गिटार को यूज़ किया, बहुत ही सिंपल सा बेस है एंड बहुत अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको रखा है। गाइस हमारे फोर्थ ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, एंड हमारा फोर्थ ट्रैक हमारा मेन बीट सेक्शन होने वाला है, हमारा मेन ड्रम होने वाला है, एंड मैंने रेगेटन बीट को लिया है। रेगेटन बीट बहुत अच्छी लगती है सुनने में, बहुत ग्रूवी एंड बहुत ही मजा आता है सुनने में, तो मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे रेगेटन बीट ही लेनी है। एंड मैं कुछ इस तरह से हमारी रेगेटन बीट को प्ले किया है, मैंने इसमें से स्टैंडर्ड ड्रम किट को इस्तेमाल किया है एंड बहुत ही अच्छी लग रही है रेगेटन बीट सुनने में, कुछ इस तरह से। ये रेगेटन बीट आपने बहुत सारे सॉन्ग में सुनी होगी, बहुत फेमस है एंड बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में। तो ये हमारा मेन बीट सेक्शन जो कि हमारे पूरे सॉन्ग में चल रहा है रेगेटन बीट। तो चलिए गाइस हमारे फिफ्थ ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, एंड हमारा फिफ्थ ट्रैक फिलर का काम करने वाला है। इसमें मैंने बहुत सारे परक्यूशंस यूज़ किए हैं, हाई हैट्स, लो हैट्स, बहुत सारे परक्यूशंस यूज़ करें, मैं सबको आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ। एंड ये डेफिनेट डेफिनेट टाइम में आते हैं सॉन्ग में, पूरे सॉन्ग में नहीं रहते, कुछ कुछ हर परक्यूशन का अपना अपना पार्ट है, मैं आपको सारे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हाई हैट्स और लो हैट्स को मैंने इस तरह से यूज़ किया है, इस तरह से मैंने इसको यूज़ किया है। एंड ये एक मैंने एक परक्यूशन डाला जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मैं सुनने में, देख रहे हो बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट आ रहा था, मैंने इसको भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। एंड फिर मैंने एक और परक्यूशन का यूज़ किया है, एक घुंघरू का साउंड है, घुंघरू का बहुत अच्छा लग रहा सुनने में। इन सब में मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिवर्ब लगाया है, एंड तो ये हमारे फिलर्स हो गए, ये बहुत अच्छे लग रहे थे, इनसे सॉन्ग भरा भरा लग रहा था तो मैंने इनका यूज़ किया है। तो हमारे अब नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, एंड हमारा जो नेक्स्ट ट्रैक है वो पैड है हमारा, मैंने इसमें सॉफ्ट पैड का यूज़ किया है जो कि सॉन्ग को भरा भरा बना रहा था। एंड इसमें मैंने जो मेरी 3 कॉर्ड्स हैं उन्हीं को प्ले किया है, तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पैड सेक्शन हो गया, इनसे हमारा सॉन्ग बहुत भरा भरा लग रहा था। एंड अब हमारे नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ट्रैक जो है वो एक राइजर का काम करता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें मैंने रिवर्ब बहुत ज़्यादा लगाई है और बहुत अच्छा लग रहा है साउंड करने में ऐसा, ये आपने बहुत बार सुना होगा मेरे सॉन्ग्स में, बहुत यूज़ करता हूँ उसको। तो ये हमारे राइजर का काम कर रहा है, ठीक है। सो गाइस ये वो सारे ट्रैक जिनको यूज़ करके मैंने पूरा म्यूजिक ट्रैक बनाया पिघल गया सॉन्ग का। मैं पिघल गया सॉन्ग को बहुत ही एक सॉफ्ट और बहुत ही कैची एंड अट्रैक्टिव से बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इन सभी का यूज़ किया है। ये थोड़े कम ट्रैक लग रहे हैं आपको, बट सीरियसली यार इसमें काम हो गया था एंड सफिशियंट है, मैं ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा फैलारा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इतने ही ट्रैक्स का यूज़ किया है। एंड इसमें ऑलरेडी मिक्सर बिल्ट इन है, ठीक है, इस कीबोर्ड में मिक्सर है जिसके थ्रू हम सारे सबका वॉल्यूम्स एडजस्ट कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, पैनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, पैन वगैरह करना हो, इफेक्ट्स लगाना हो, सब कर सकते हो। तो मैंने मिक्सर में जाके सारे इफेक्ट्स लगाए एंड फिर पूरा ट्रैक बन के आया। एंड अब मैं आपको पूरा ट्रैक सुनाता हूँ कि वो कैसा साउंड कर रहा है, ओके। Yeah.
सो गाइज आप देख ही सकते हो इस तरह से हमारा पूरा म्यूजिक ट्रैक बन जाता है एंड बहुत मजा आता है ऐसे म्यूजिक बनाने में मुझे। तो गाइज यही था आज की वीडियो, मैंने आपको पूरा बताया कि मैं कैसे म्यूजिक बनाता हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो किस सॉन्ग का चाहते हो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसे कई सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं। कल क्या सॉन्ग को सुन लो अगर अभी तक नहीं सुना है आपने, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज सारे सॉन्ग चेकआउट करो, सब पे अपना फीडबैक दो एंड उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।